नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार कल शुक्रवार को थम गया है। सभी पार्टियों ने कल देर रात तक अपनी पूरी ताकत झोंकी है अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। इसी में जहानाबाद की जो सीट है वो बहुत ही अहम मानी जा रही है। जहानाबाद में राजद और जदयू के बीच कड़ा मुकाबला है, भूमियार वोट बैंक है, बहुत कड़ी टक्कर एक दूसरे को देने की पूरी कोशिश की जा रही है। 11 मार्च कल वोटिंग होनी है। इस बीच राजनीतिक गलियारे और जहानाबाद के भूमियार मोहल्लों से जो गलियों के बीच से जो खबर निकल करके आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके मुताबिक जदयू और भाजपा ने मिल करके भूमियारों का गुस्सा शांत कर दिया है। और ये जो है ऐसा माना जा रहा है कि भूमियारों का गुस्सा जो है वो पिघल रहा है, और ये राजद के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होने जा रही है, क्योंकि राजद के सुदय यादव हैं और जदयू के अभिराम हैं, दोनों में कड़े मुकाबला है। अब देखना होगा कि इस मुकाबले के बीच में जो खबर निकल करके आ रही है भूमियार के मोहल्लों से, वो कितनी कारगर साबित होगी। भले ही भूमियार मोहल्लों से जो खबरें निकल करके सामने आ रही है कि जदयू और भाजपा का जो गुस्सा मिटाओ कैंपेन है उसके द्वारा भूमियारों का गुस्सा पिघल गया है, लेकिन लड़ाई में अभी भी बहुत दम है। राजद की वोटों की गोलबंदी को बता करके भूमियारों को जगाने का काम किया गया है। ये समझाया गया है कि आप भूमियार फिर से जहानाबाद को अपने हाथों से जाने देंगे, क्योंकि 2015 में जो मुंद्रिका सिंह यादव की जीत ने के बाद से ही भूमियारों ने उनकी जीत को अपने दिल पर ले लिया। जहानाबाद को भूमियार जो है अपना प्रदेश मानते हैं, और भूमियार जहानाबाद में किसी को अपने आगे आने नहीं देना चाहते। इधर जदयू और भाजपा ने मिल करके भूमियारों को ये समझाने का प्रयास किया है कि अभिराम जो है उनके एटीट्यूड को हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल जहानाबाद को जीत लेते हैं। ऐसे में आखिरी फैसला तो पटना में ही होना है, लेकिन फिलहाल जहानाबाद में प्रचारित किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जदयू की ओर से किंग महेंद्र को राज्यसभा में भेजने के लिए फाइनल मन बना लिया है, तो अभी जो है आप मान जाइए। अगर जहानाबाद में भूमियारों का गुस्सा पिघला तो राजद के खेमे में टेंशन बढ़नी ही बढ़नी है, यूं कहें कि बढ़ गई है, क्योंकि राजद में मुसलमान और यादव का जो वोट है उसमें कोई डिवीजन नहीं है। ऐसे में आप देखना है कि अभी अभी महागठबंधन में शामिल हुए हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी क्या कुछ कर पाते हैं, वोट के मामले में जीतन राम मांझी कितने तिस्मार खा हैं। तो ये थी सारी अपडेट जो जहानाबाद के गली मोहल्लों से निकल करके सामने आ रही है। अब नतीजे बताएंगे। वैसे तो आखिरी समय तक जहानाबाद को लेकर के सस्पेंस बना ही रहना है। अब नतीजे बताएंगे कि जहानाबाद में किसकी जीत होती है, राजद का डंका बजता है या जदयू का परचम लहराता है। लेकिन आपसे ये विनती है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की सभी खबरों के लिए लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल को लॉग इन करिए, देखिए, उसे सब्सक्राइब करिए, उसके बीच में जो बेल का बटन है उसको भी दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें। साथ ही साथ आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे लाइव सिटीज.in के पेज को लाइक करके देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ी रह सकते हैं।